यूपीआ सरकार का मुखौटा मैं बार बार ला के सुटिया। आखिर जी ना खान देंगे ते ना खावांगे, खांदे भी ने पता ते खवाउंदे भी ने रज के। उहदा प्रमाण दिउ तुहानू, बंदा हवाई गल करे इंडिविजुअल गल करे मैं समझ सकदा, लेकिन ये स्टेट के पक्ष की गल है। स्टेट के खजाने ये नंगे चिट्टे डकैती मार रहे। 15 सितंबर को, 15 सितंबर को हाई कोर्ट ने रूपनगर के एसएसपी को बुलाया, फटकार लगाई और कहा कि तुम फेल हो। अगर वो एसएसपी को कह रहा है तो एसएसपी सरकार का ही नुमाइंदा है। तुम फेल हो, तुमने इलीगल माइनिंग को कर्टेल नहीं किया। और ये उस वक्त की बात है जब तरन तारण में एसएसपी गुरमीत चौहान का तबादला किया जाता है एमएलए की शिकायत पे। देखिए एमएलए पुलिस की शिकायत कर रहा है, वो मेनू माइनिंग नहीं करने देंगे, है जी मेरे रिश्तेदार पे केस डाल दिया, हमारी माइनिंग रोक दी उन्होंने, हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया। ये शिकायत है एमएलए की। पंजाब में जितने धंधे हैं उन पे इनका कब्जा है। बिजनेस पंजाब को बेचना और गिरवी रखना, साथ में लगा के शिकायत दर्ज करते हैं। और गांव है नानगरा कलमोट एक खेड़ा का, आप कलमोट को भूल जाइए क्योंकि ये दोनों इनके जो हदबस्त नंबर है वो एक ही, ये दोनों एक ही जगह। इसमें पॉलिसी ये कहती है कि मैनुअल माइनिंग अलाउड, मैनुअल माइनिंग अलाउड। मैनुअल माइनिंग का मतलब टिप्पर नहीं लग सकता, ठीक है। वहां जेई बैठ के, सरकार का जेई बैठ के, ठीक है, हजारों टिप्पर निकाल, आप इमेजिन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यह सरकार की सरपरस्ती में चल रहा है। यह कोई पिन तो है नहीं कि जेब में डाल के चल दिए, हजारों टिप्पर जा रहे हैं। मुझे एक ट्रक अगर इंपाउंड लो बताए, ये मैंडेटरी है। और ये मैं भगवंत मान साहब और उनका जो मिनिस्टर है, उनके मिनिस्टर को भी ये सवाल पूछा गया, एक भी जवाब नहीं है। उसको भी पूछता हूं कि क्या ये मैंडेटरी नहीं है कि सरकार की कोई बिल्डिंग बने, सरकार की कोई सड़क बने, सरकार की कोई कंस्ट्रक्शन हो, तो आप जो रेत है, आप जो रेत है वो सरकारी खाद से लेंगे और उसकी पर्ची बनेगी और उसकी पर्ची बनके स्टेट के खजाने में वो पैसा आएगा। अगर एक रेते एक सीमेंट का थैला लगता है तो चार रेते के लगते लदहाव। चीफ मिनिस्टर साहब एक पर्ची दिखा, तुम 20,000 करोड़ कहते थे, 150 करोड़ इसीलिए आए, दूसरे साल 200-250। तुम कहां से बदला हो भाई, तुम तो बदले हुए बैरूपियों चोर हो। सिद्धू साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਦਲੋ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਗ ਸਿੱਟਦਾ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਘਾ ਖੜੋਤਾ ਦੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ ਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਉਣਾ ਵੀ ਗਿਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ, ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ, ਸਾਰਾ ਗਿਲਾ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਬੜਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੱਗ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਬੜਿੰਗ ਹੀ ਸਵਾਦਾ ਕਿਰੇ ਦੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਿਹਾ जिस बंदे को नैतिकता है, ईमानदारी है, सच है, ओरी तौण ची फिर मैं एक गल दस, जिथे जुडिशरी है नहीं, इलेक्शन कमीशन है नहीं, की बनूगा? मैनू मैनू पूछना तो जाके पूछ, ये हिम्मत है? मेरा सवाल ही नहीं है मित्रा, ये मेरा सवाल ही नहीं है, ये इंडिया का सवाल जिहड़ा हैगा साडी हाईकमांड है, जो साडी हाईकमांड तो वो अच्छी करा। हाईकमांड कह रहे तुसीं करोगे प्रचार की आम आदमी पार्टी? मैं कहना मैं किसी लिए भी प्रचार करूंगा, लेकिन लेकिन पंजाब नूं मद्देनजर रखते सवाल उस स्टेट भी करो। जरूरी की है? जरूरी यह है कि तुसी डेमोक्रेसी बचाओ। जरूरी की है? जरूरी यह है कि तुसी पंजाब नू डिविसिव फोर्सेस तो बचाओ। जरूरी की है? जरूरी यह है कि इत्थे दा लॉ एंड ऑर्डर सही हो, नशे खत्म, सब समझते हो कि गया। मैं जो जेल चो आया सी बाहर, मैं उदो भी कहा सी माइनॉरिटी दो थावां दी मुख्यमंत्री बन रही है, हाँ देख लो, समझो ये गल्लां अड्ड ने। मुद्दा अज दा माइनिंग है, सो माइनिंग दा कांग्रेस कह भी सी पिछले, मैं कहना फिर मार दे उदों मार बजे ते जदों जदों कांग्रेस दे टाइम सी पुछदा कौन ना लै बंदे दा जिहड़ा पुछदा सी, जिहने पहली कैबिनेट हलाती सी, जिहने इस्तीफा दित्ता सी, जिहने छड्डी सी, जिहने बरगाड़ी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया सी, उहदा ना लै लै ना जाके गवर्नर दे कोल नहीं खड़दे सी, जब्त की हुई जमीन है, ईडी सरकारी जमीन है, कह रहे ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों है? मेरे ट्वीट नूं पढ़ो, ये ईडी की जब्त की जमीन है। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਚੋਰ ਨਾ ਰਲ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਡਿਮਾਂਡ ਅ ਸੀਬੀਆਈ ਪ੍ਰੋਬ ਔਨ ਦਿਸ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 24 ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਪ੍ਰੋਬ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਸਾਹਿਬ 92 ਚ ਕੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹੂ, ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, मैं कहना मैं किसी नाल भी खड़ जू, पर कहूं जरूर विरोध करूंगा जी। भाई ये विरोध मेरा जितने विरोध हट जू, नवजोत सिंह सिद्धू समझ लो खत्म हो गया, फिर नवजोत सिद्धू ही ना रहा। सिद्धू साहब उठे भी खड़ के कहूं, सिद्धू साहब खाने खाने हो तुसी खाने नहीं हो, हां मन में जो कितने विधायक थे जो माइनिंग कर रहे, तुम्हारे को की डेटा? नहीं मेरे को कोई, देखो मेरे को तो इतना डेटा है भी भाई आ फलाने का रिश्तेदार, आ फलाने के एरिए तरन तारन छोरी से उन्हें गुरमीत चौहान पुलिस वाले ने फुल सटे उन्हें ਧੂੜ ਚ ਟੱਟੂੜ ਆਈ ਜਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ,
प्रधानमंत्री सुझाव दिया है की सबल मरनी को लेकर, क्योंकि तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने अगर सुझाव दिया है तो केजरीवाल को कहा वो घोल निकाले, जड़ा कह रहा था घोल लगाएंगे पशु मंत्र सिद्धू साहब पंजाब के मुख्यमंत्री 5,000 रुपये नहीं देते, 5,000 रुपये नहीं देते किसानों को हम देंगे, कितने ने वो पूछना है मुख्यमंत्री सिद्धू साहब प्रधानमंत्री दौड़े फिर रहा है पूछना है मुख्यमंत्री है इन पूछ तू सरपंचा ने 25,000 दे दे पंचा ने 10,000 दे दे जो पले नहीं दाने अम्मा चली पाने पैसे ही नहीं है सरकार को आखिर जी धरने तो रुक्त सरकार होगी लरने रोज टी टी आले चले होंगे किनिया ने अज सिद्धू साहब प्रधानमंत्री क्या तू नैशनल पार्टी है किनिया सीटा तेरिया है लिख के दिता सी एक सीट है क्या थोड़ी लोग सभा चुने नुमाइंदे एक सीट बड़िया डोना पूछ थले है थोड़ी है तो देख लियो जो अलायंस नहीं होती फिर बनता की है सिद्धू साहब प्रधानमंत्री इंडियन क्रिकेट टीम एक सीट ना दम दे माता है लोग सभा एक सीट है ना दी कल छड तू ये देख एक लार्जर कॉज मैं तेन कहा ना कि जो संविधान ही ना रहा तो असि नहीं लेना ना पार्टियां दी विचारधारा रहनी दिल्ली 34,000 करोड़ रुपए सेंटर की सरकार खर्च की 9,000 करोड़ रुपए एनडीएमसी ने दे ताही उते फ्री इलाज योजना होते ठीक है 9,000 करोड़ पुलिस का खर्च 3,000 करोड़ यूनिवर्सिटियां देंगे एक आके उरे प्योला अनाउंस कर देता 6 करोड़ उत्थे आ के ना झोटे कर दे खुरक हूं तो खुरक भी नहीं करते मस्तौना कौड़ी लेके जाके सिद्धू साहब जो रखना दिन लगा नहीं निहां आ लो जी 700 करोड़ आ लो जी 800 खर्च है 800 करोड़ 700 करोड़ पल्ले बताऊंगी और जे कोई अग्रीमेंट होया हिसाब का करे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी मेरे तो कराएगा या तू करेगा कन्याकुमारी चोरी है इधर उधर पॉलिसियां बनाई जा स्मगलिंग करने वास्ते रात में ठीक है स्पूरियस लिकर बनाई जाती है शराब दी फैक्ट्रियां चलाई जाती है ठीक है 11,000 करोड़ रुपए दे एल वन दे निशाने इन पूछे दो बंदे नु दिते है की नु दिते मैं कदों दा कहना कर पता पास कल लिख ले ते पता लग जू केड़ा मामा चाचा है ते पता लग जू तुसी 6% 5% दा प्रॉफिट 12% करता किवें करता अगे 5% वगैरह कराने कहना 6 रखो 6 सानू दे दो असीं एडा लावांगे फिक्स्ड विन जहाज ते आउंदा पट्टू जहाज उतरदा उहदे ते की कहंदे हुंदे ने एयरपोर्ट ते एयरपोर्ट तो हैलीकॉप्टर एयरपोर्ट तो हैलीकॉप्टर आम बंदे नहीं साडे मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨੀ ਕਾਹਦੀ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਤਾਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ
हथियार सिद्धू साहब लॉ एंड ऑर्डर लैके कहते हैं लॉ एंड पुलिस का रोल की देख रहे हो क्योंकि कमिश्नर लुधियाना ने डांस कर यार देखो मेरी तो गल सुनो बड़ी सिंपल जी गल दस रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर कुछ छोटा मसला तो नहीं बन जाए तुसी देखो कितनी परसेंट पुलिस सेंटर दी है कितने परसेंट एरिए जो मैं कहना हुंदा सीगा डील कर ली चनी ने डील कर ली उत्थे बैठ के ना ऑल पार्टी मीटिंग कन्नी जी तुसी कह दो जिहड़े ड्रैगोनियन लॉ सी अतवाद दे वेले दे ओह पुलिस नूं दे के रखी है कई साल होर ठीक है कि नहीं ते दोनों की जिम्मेवारी बनती है एक दी क्यों ते तू हुण तू भजा जाना मित्रा कर कंट्रोल एक बंदे दा जिन्ने बंदे हलाक हो गए आहुन बठिंडे फेर मारते हो ठीक है वड़ता है मतलब हजारां लोग मर गए तुसी ये दसो एक दे घरे गया होवे एक बारे ने दुख या शोक बदी कीता जान माल दी सुरक्षा है चोरी टका के है इनकम कोई स्टेट को है नहीं कर्जिया दे स्टेट चलता है इहदा मतलब की है इहदा मतलब यह है के साल दो साल दे विच तुसी पूरी तरह सेंटर ते निर्भर हो फाइनेंशियल एमरजेंसी लगी तां भी निर्भर हो फाइनेंशियल एमरजेंसी लगी तां भी उहनां ते निर्भर हो ते जे फाइनेंशियल एमरजेंसी ना लगी ते प्रेजिडेंट रूल लग गया तां भी उहनां ते निर्भर हो ये उधर तेजी नाल अग्रसर है अक्सर मानसून सेशन पहला सद्या नहीं गया हुण विंटर सेशन होंदे ओह भी दो दिन दा मित्रा तू जाणू ना चंगा इस करदा एक की कहंदे हुंदे सीगे वी 40 सेशन बुलाओ एक साल किन्ने कहंदे जी दो दिन का मतलब की है कि सैशन बनाया पतली गली च निकलना एक दिन सतरीकाल सुसरीकाल करके दूजे दिन लभना नहीं गए सरकार जवाब नहीं होती ये जवाब नहीं देंगे भी 6 लाख रुपये का जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं पर घंटा ये जवाब नहीं देंगे ना कोई पारदर्शिता ना कोई जवाबदेही कहदी डेमोक्रेसी ईडी लाई जाते विजिलेंस लाई जाते या तो तुम आप पाक साफ हो तुम माफिया हटाता है फिर कहते एक कर देंगे आ डिवेलपमेंट आ आ पल्ले ना तेल ना कढ़ाई बना चले मिठाई पल्ले की है ना कि बना देंगे ये कॉलेज फिर कहते उत्थे एक्सलेंस ना ही कॉलेज बोल दो 60 साल का चलता कुंवर विजय प्रताप ने पोतरे खोलते वो कहना यार डांग साहब मैं जानता उन्होंने मैं मिले ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਤੂਆਣ ਆਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਝੋਟੇ ਵੀ ਗੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਕਮਾਈ ਕੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 2 ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖੜ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੈਨੂੰ जवाब कोई देख है मेनू बुला ला घरे बुला ला मित्रा के फेसबुक तू आप ला ली फेसबुक मैं आप ला लू अग देखी कितने लग गए छूकता ना फिरे जे 7-8 दिन हाय हाय ना करता फिरे मेरे नाम बता दी कहना कुछ तो करना कुछ दिखाना कुछ तो हूँ अंदरों कुछ